उज्जैन के आंधी तूफान ने खोली महाकाल लोक की पोल। महाकाल लोक में आंधी से तबाही गिरकर टूटी सप्त ऋषियों की मूर्तियां। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिगड़े मौसम का असर महाकाल लोक पर भी देखने को मिला, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जानकारी के अनुसार आंधी के कारण महाकाल लोक की कुछ मूर्तियां गिर गईं। घटना रविवार शाम करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहां सप्त ऋषि की मूर्तियां गिरी हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामले पर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करने का संकल्प लिया था, तब इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बाद की सरकार महाकाल लोक के निर्माण में भी गंभीर अनियमितता करेगी। आगे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने लिखा कि आज जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गईं, वह दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाएं और घटिया निर्माण करने वालों को जाँच कर दंडित किया जाए। उज्जैन में तेज हवा के कारण महाकाल लोक मंदिर में 7 ऋषियों की 6 मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं। मामले को लेकर डीएम कुमार पुरुषोत्तम ने जानकारी दी कि 3 बजे के करीब बहुत तेज आंधी आई थी, जिसके कारण सप्त ऋषि की कुछ प्रतिमाएं अपने मूर्ति तल से नीचे गिरी हैं। उनको ठीक करने का काम जारी है, 2 दिनों में सब ठीक कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है। मूर्तियाँ लगाने के वक्त बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यह मूर्तियाँ ना तो आंधी तूफान से ख़राब होंगी और ना ही इस पर बारिश का कोई असर पड़ेगा, लेकिन ये सारे दावे फेल हो गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टिक की बनी ये मूर्तियाँ पहली बारिश में ही टूट फूट गईं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया था।